कोई डिस्प्यूट नहीं जी। साडा असी एक 27 तरीक नूं प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती सी, उहदे च पाशा जी का नाम लिया सी भी जिहड़ा साडा बार एसोसिएशन दे वकील वरिंदर संधु का पुलिस नाल झगड़ा होया सी, उहदे बारे कुछ बंदिआं ने पुलिस के फेवर च वीडियो पाए सी, ठीक है, उहदे च असी पाशा जी का नाम लिया सी। हालांकि पाशा जी बारे कोई एक गलत कमेंट उहदे च नहीं सी, बट इन्हां नूं महसूस ये होया भी इहदे च मेरे बारे को गलत कहा गया। वह असी आपस बह के गलबात करके आपदे मन मटा जिहड़े इन्हां दे सी वह दूर करते हैं, इन्नी गल। सर एक च कहा गया सी इतिहास फरोलना नहीं चाहते, की तुहानूं लगदा सी वी पाशा जी दे इतिहास च कोई इहो जी माड़ी चीज है? नो नो जी ना, वह तो पाशा जी ने तो इस गल नूं पुछण दी कोशिश नहीं की भी मेरा वह किहड़ा इतिहास है। पाशा जी का इतिहास तो इदू अदरवाइज सी, जिहड़ा ये नैगेटिव समझ गए उस गल नूं। सर तुहानूं की एक्सपीरियंस है जी, मतलब प्रीवियस किहो जिहा होगा, सिर्फ एक दो लाइनां जे तुसीं शॉर्ट समझो। ये तो इन्हां दे पिता जी तो लैके जी ये तो पुलिस एट्रोसिटीज के हमेशा खिलाफ लड़ते रहे हैं, तो हुण भी लड़ते हैं, ठीक है। बट सानू उदों प्रेस कॉन्फ्रेंस असी सिर्फ उन्हां सज्जणां दे नाल लए सी जिन्हां ने पुलिस की फेवर च सानू लग्या भी इस गल नूं चिट्टे नाल जोड़िया जा रहा है। पाशा जी की मसला सी जिहड़ा तुहाडा वकीलां नाल डिस्प्यूट है? 27 तरीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराड़ साहब ने जिथे दूजा का नाँ लिया उत्थे इन्होंने मेरे नाँ लैके तो इन्होंने कहा कि असं उन्होंने इतिहास फरोलना नहीं चाहते, उसके ते कमेंट नहीं करना चाहते, वो करके जरा मैनू लग्या कि इन्होंने साढ़े जरा सच्चा सुचा इतिहास है साडा साड़ी कौम का साडा भी वो बारे इन्होंने जोड़ा माड़ा किया है वो ता करके साडा इन्हों जो कलेस पिया और असी लंबा संघर्ष लड़िया। हुण मान योग सारे वकील साहबान ने ते साडा बैठ के प्रधान जी होरां ने साडा दोवां दा जिहड़ा एक दूजे प्रति जिहड़ा साडा कोई गलत फहमियां सीगियां वह दूर करा दीआं, हुण साडा किसी किस्म का कोई रौला नहीं। मेरे भरा है बराड़ साहब पुराने मित्र है ते साडा जिहड़ा मन मुटाव सीगा जिहड़ा कोई एक दूजे प्रति गुस्सा गिला वो साडा दूर हो गया। नहीं जी बिल्कुल नहीं, क्यों जो जे साडे एक दूजे के प्रति गलत फहमियां सीगियां जो वो दूर हो गई तो हुण तक कोई मतलब नहीं जी किसी किस्म का भी। जी चिट्टे की लड़ाई है वो साडी जारी रहनी है क्योंकि हुण असीं संस्था वल्लों शुरू किया कि चिट्टे दे असीं चिट्टा ते चिट्टे दे जिहड़े तस्कर आ उन्हां दे खिलाफ पिंड पिंड असीं पुतले फूक रहे हैं ते पिंड वालिआं नूं असीं मतलब कि लोकां नूं जागरूक कर रहे हैं कि जिन्ना चिर लोक है वो चिट्टे दे खिलाफ खड़े नहीं होंगे गे लोग लहर नहीं बनती उन्ना चिर चिट्टा जिहड़ा वो खत्म नहीं हो सकता। जे तुसीं चिट्टा चिट्टे दी लहर शुरू कीती है उस दे विच हुण कोई वकील बिल्कुल नहीं जी ना वकीलों का नहीं, वो तो सिर्फ चिट्टा तो चिट्टे तस्कर जो चिट्टा वेचने वाले पिंड वालों ने जागरूक कर रहे कि भाई तुम आप कमेटियां बनाओ जागरूक जो चिट्टा वेचता फड़ो तो पुलिस में फड़ाओ सानू दसो जे कोई चिट्टा कोई पींदा वह सानू दसो असी फ्री इलाज करावे संस्था वालों मतलब कि वो असी हूँ जो सा है लड़ाई वो चिट्टे के खिलाफ है वकीलों बहुत पुराने मित्र हैं तो साडा वैसे क्योंकि गलत फहमियां हो गई सी चलो गल वक्री है। मैं जो जाति सूचक शब्द बोले गए सी हजे तक मैं जिहड़ा क्योंकि वो बंदिआं दी मैनूं पछाण नहीं हो सकी क्योंकि उहदे इक रश बड़ा सीगा पर वह भी हुण प्रधान जी ने कहा कि भी जिहड़े भी चलो साडे जे इक बंदे ने गलत कहता जाति सूचक साहब तो प्रधान जी ने कहा कि भाई मैं प्रधान होने के नाते मैं उन्होंने माफ़ी मांगता कि मैं प्रधान होने के नाते भी चलो मैं गलती मानता भी चलो जे किसी बंदे ने जाति सूचक कहता तो वह भी मेरा जरा निबड़ चुका पूरा कोई गिला शिकवा नहीं रहा जी। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सी उदो असी भी इस मुद्दे से लैके बड़े गंभीर सी असी सारे ने एक लड़ाई लड़ी जिहड़ा अनमनुखी वर्तारा होया सी कारण बड़ा साडे वकील भाईचारे ने साथ दिता समाज ने भी साथ दिता वो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बराड़ साहब ने जो शब्द कहे थे वो शब्दों बारे पाशा जी ने लगे भी शायद मेरे बारे उन्होंने गलत कहे वो मैं वैसे बराड़ साहब तो उस दिन ही क्लैरीफाई कर रहा बराड़ साहब इदा की कोई गल क्योंकि मैं उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जानी थी मेरे साथी वकील जो सारे उन्होंने सारी प्रेस में संबोधित किया
ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।